आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महामृत्यु महाअमृत यूनिवर्सिटी, इसकी एक पाठशाला आत्मिक विज्ञान की पाठशाला द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, इसके साथ संबंधित नवरात्रि की साधना, आद्य शक्ति का स्वरूप, पराशक्ति के रहस्य, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। नवरात्रि की जो साधना है, पराशक्ति की जो आराधना है, उस आराधना का एक स्वरूप ऐसा है, एक रीत ऐसी है जिसमें चल के माता जी का दर्शन करने के लिए जाना, जिसमें चलना ये प्रक्रिया है, उसको ये इसका मुख्य अंग है। जो प्रक्रिया है उसमें चलना ये मुख्य अंग है। या तो ऐसा है, एक प्रक्रिया ऐसी है कि पर्वत पर माता जी के दर्शन के लिए जाना, क्या विज्ञान है इसका कि चलकर माता जी के दर्शन के लिए जाना, या पर्वत पर अगर माता जी कहीं उसका मंदिर है, उसकी स्थापना है, तो पर्वत पर चढ़ के उसका दर्शन के लिए जाना, क्या विज्ञान है इसका। एक तो है जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम रहते हैं, हम जहां रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, तो हमारी जो भाव दशा होती है, हमारे जो विचारों का प्रकार होता है, या शारीरिक तरंग होती है, तीन प्रकार की तरंग है अगर मन से हम समझना चाहे। एक शरीर के तल की तरंग है, विचारों की तरंग है, और भाव दशा की तरंग है। ये तीन प्रकार की तरंग स्थापित हो जाती है जहां हम रहते हैं। जिस तरह का प्रकाश, जिसे कहा जाता है ऑरा, जिस तरह से
दिए को हम प्रकट करते हैं तो उसके आसपास एक वर्तुल बनता है। इसी तरह से हमारे भीतर भी जो आत्मिक प्रकाश है, और हर व्यक्ति का अपना प्रकाश है जिसे कहा जाता है ऑरा, उसके व्यक्तित्व की भी एक व्यक्तित्व का एक प्रकाश है। तो हम जहां भी हम रहते हैं, हमारे आसपास जिस तरह के तरंग हमारे में से प्रकट होते हैं, वो हमारे आसपास स्थापित होते हैं। जब हमें जीवन से ऊब आने लगती है, जीवन से ऊब, हम सेचुरेटेड हो जाते हैं, जब अच्छा नहीं लगना, वो कहीं बाहर से नहीं आता, ये सारी तरंगे हमसे ही प्रकट होती है, हमसे ही प्रकट होती है। तो ये पुराना विज्ञान था, ये पुराना विज्ञान इस तरह से दिया गया कि उस स्थान को छोड़ दो जहां पर आप रहते हो और ऊब आती है, आपको जीवन न जीने की भीतर से भाव आता है, बार बार हो जाता है जीवन, बार बार लगता है छोड़ के भाग जाए कहीं, कुछ नहीं चाहिए। सबके जीवन में आता है ये क्षण, सबके जीवन में आती है। तो हर साल इस तरह का, इस तरह की साधना दी गई। हमें समझ से काम लेना है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम अपनी नवरात्रि कर सकते हो। मैं कहता हूं नवरात्रि अंत है ही नहीं, नवरात्रि प्रारंभ है, और जैसे जैसे तुम अपने पर काम करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाता है कि इसका क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है या क्या संदेश है। तो संदेश इस तरह का है कि मनुष्य जब ऊब जाता है, एक जगह पर ऊब जाता है, वहां ही वो रहता है, अगर वहां ही वो रहता है तो वही की वही तरंगे, और वो तरंगे बाहर से नहीं आती। तुम ऐसा समझो जैसे हमारे भीतर की स्थिति होती है, जैसे चाहे वो आत्मिक तल पर हो, चाहे वो भाव दशा की स्थिति हो, चाहे वो शारीरिक तल पर जो तरंग प्रकट हो रही है हमारी, उसकी स्थिति हो, इस तरह का प्रसंग बाहर से खींचता है। तुम समझते जाओ ये बात, इसलिए भीतर की शुद्धि जरूरी है। जब तुम्हारे बाहर से कोई दुर्घटना बनती है तुम्हारे साथ, वो ऐसे ही नहीं बनती। जब तुम्हारे भीतर का वातावरण है वो बिगड़ जाता है, हमारे भीतर भी अनंत जगत है, अनंत सूक्ष्म जगत समझो आप, अनंत सूक्ष्म जगत, जिस तरह से बाहर अनंत विराट जगत, इसी तरह से हमारे भीतर अनंत सूक्ष्म जगत, अनंत, दोनों को देखने के लिए, दोनों को अनुभव करने के लिए इंद्रियां काफी नहीं है, तुम इंद्रियों से नहीं जान सकते, जिस तरह से तुम विराट नहीं पकड़ सकते, तुम पूरे ब्रह्मांड का दर्शन तुम अपनी आंखों से नहीं कर सकते, दो आंख जो बहिर्गामी आंख है उससे तुम दर्शन नहीं कर सकते, बाहर का इतना विराट जगत है कि तुम उसका दर्शन तुम दोनों आंखों से नहीं कर सकते। या बाहर का भी जो नाद है, बाहर का नाद है, बाहर का संगीत है, बाहर के ब्रह्मांड का अपना एक संगीत, वो हम कर्ण से, दो कर्ण से इसे नहीं जान सकते, ये संगीत को हम नहीं पकड़ सकते, ऐसा सूक्ष्म संगीत है बहिर्जगत का, ब्रह्मांड का, जिसने जाना उसने जाना कि ऐसा संगीत बाहर का जो हमारे कान नहीं पकड़ सकते या हमारी आंख इतना विराट बाहर नहीं देख सकती। बस उसी तरह अंदर अनंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म जगत, जिस तरह से बाहर अनंत विराट जगत, उसी तरह से जितना बाहर विस्तार उतना ही अनंत अंदर विस्तार, कि जो खोजने गया, खोजने का एक सीमा आ जाती है, उस सीमा के बाद तुम्हें तय करना पड़ता है कि पीछे लौटना है या विलीन हो जाना है। इतने तुम विलीन हो सकते हो कि कहने के लिए शब्द भी नहीं बचते कि मैं विलीन हो गया अनंत के साथ। इतना अनंत सूक्ष्म जगत, ये भीतर की बात, बाहर अनंत विराट, अंदर अनंत सूक्ष्म जगत। और आद्यशक्ति का अर्थ ही है मूल शक्ति, शुद्ध शक्ति, जो प्रकट भी होती है, आकारों में प्रकट होती है, इसमें हम सब आ जाते हैं, हमसे दूर नहीं, न आद्य शक्ति हमसे दूर है, परमात्मा की शक्ति हमसे दूर है, हम स्वयं जिससे हमारा आकार प्रकट होता है, शरीर प्रकट होता है, और कुछ ऐसा हिस्सा है शक्ति का जो प्रकट नहीं होता, जिसे हम जान नहीं सकते। और उसका कारण है कि वो अंदर, वो जब वो हिस्सा अंदर काम करता है, हमारे अंदर काम करता है, तब हमारा जीवन संभव है।
खाली बाहर बाहर ही होता, खाली बाहर बाहर, जैसे खाली शरीर है और अंदर की शक्ति नहीं। तो जब अंदर की शक्ति नहीं होती है, शरीर कुछ काम का नहीं। वो शरीर अगर पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, उसमें शक्ति नहीं, प्राण नहीं। तो ये जो प्राण है, ये अंदर की शक्ति है, अंदर की शक्ति, ये पराशक्ति है। इसका एक स्वरूप जो अंदर काम करता है, एक स्वरूप जो प्रकट होता है। तो जब हम जीवन से उब जाते हैं, जीवन से उब जाते हैं, अब ये व्यक्तित्व पर है, व्यक्ति पर है कि वो क्या पसंद करता है। विधियां तो अनेक है, अनेक विधि, जितने व्यक्ति उतनी विधियां। तुम समझो कि इस पृथ्वी पर जितने व्यक्ति है उसके अपने स्वाद है, अपने, चाहे वो खाने के स्वाद हो, चाहे वो कपड़े पहनने के स्वाद हो। इस तरह से जितने जितने क्षेत्र है, स्वाद लेने के जितने जितने क्षेत्र है, सबका अपना व्यक्तित्व है, सबका अपना टेस्ट है, जीवन को जीने का ढंग है, सबको अपना जीवन जीने का ढंग है। तो मैं तो खाली स्पष्ट करता हूं कि इस प्रकार से तुम ऊब से निकल सकते हो। समझना क्या है हमें, धर्म की दिशा में क्या समझना है, कि जब जीवन में ऊब आ जाती है, अच्छा नहीं लगता, जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, वो जीवन है ही नहीं, कि तुम जब उठो सुबह में और तुम उत्साह न पाओ अंदर कि चलो आज नया दिन। पहले तो तुम्हें नया दिन का अनुभव होता है कि आज जब तुम उठे तो एक नया दिन तुम्हें मिला, ऐसा तुम्हें लगता है? या तुम रूटीन से ले रहे हो कि वही का वही दिन, वही दिनचर्या, फिर उठे, ब्रश करना, लेटरिन जाना, स्नान करना, वही काम। ये जो वर्तूलाकार जीवन बना दिया हमने, बना दिया, और उसमें कुछ गलत भी नहीं, ये जीवन जीने का ढंग है कि हम सीधा आत्मा को नहीं जान सकते, हमारा जो स्वभाव है उसे हम सीधा नहीं समझ सकते। हमारी यात्रा पहले बहिर्गामी हो जाती है, यात्रा करते करते, जीवन की यात्रा करते करते हम बाहर निकल गए, बाहर खो गए, ऐसा समझो कि हम कुछ बाहर ढूंढने लगे, कुछ का अर्थ है जीवन। जीवन का स्वाद हम बाहर ढूंढते 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 हम भूल गए हमारे घर का रास्ता, हम इतने खो गए बाहर। सब जीवन का स्वाद खोज रहे, सब, हर एक व्यक्ति। जब हमारा जन्म होता है वहां से हम स्वाद लेना शुरू करते हैं जीवन का, हम खोज रहे हैं। जब एक स्वाद मिलता है तो अंदर से होता है अभी इससे आगे कुछ हो सकता है स्वाद, इससे बड़ा स्वाद हो सकता है। इसमें हमारे जीवन की यात्रा इतनी बहिर्गामी हो जाती है, इतनी बहिर्गामी कि हम भूल जाते हैं अपने घर का रास्ता, हम भूल जाते हैं। और मैं तुम्हें वही स्मरण में लाऊंगा कि हम अपने को ढूंढ रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर, कुछ भी, किसी भी दिशा में हम कुछ भी ढूंढ रहे, चाहे वो चीज वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, चाहे वो व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, चाहे वो परिस्थितियों में ढूंढ रहे, लेकिन हम अपने को ढूंढ रहे, हम स्वयं खो गए, वो हमारे पास है, हमारे करीब है। अगर हम व्हीकल भी ले, अगर व्हीकल समझ लो कि कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसमें भी एक समय ऐसा आता है कि उसका, उस पर रिपेयरिंग करना पड़ता है, फिर से उसे ताजा करना पड़ता है, उस व्हीकल को ताजा करना पड़ता है। तो हमारा शरीर भी एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है। खाली शरीर हम देखें तो अद्भुत इंस्ट्रूमेंट, कि पृथ्वी पर इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट एक भी नहीं हो सकता और बन भी नहीं सकता। पृथ्वी के सारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे भीतर से उसका आइडिया जगता है, सारा जो मैकेनिज्म है वो हमारे भीतर है, ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। बॉडी को अगर इंस्ट्रूमेंट की दृष्टिकोण से देखे तो भी इतना अद्भुत साधन। तो जब हम एक जगह काम करते हैं, थक जाता है मन, थक जाता है शरीर, थक जाता है, तो पुरानी ऐसी विधियां थी, उसमें से एक विधि है तुम उस स्थान को छोड़ दो, तुम चल के निकल जाओ, दर्शन के लिए चल के निकल जाओ। ऐसा पवित्र स्थान दिखाया गया कि ये जो स्थान है, और समय भी है, समय भी है, खास करके जो समय है वो इस तरह का है, बाकी इसके आसपास हो सकता है, एक हो सकती है अमास जिस पे चंद्र दिखता नहीं रात को, और एक है पूर्णिमा के दिन, ये सबसे उत्तम दिन है। अगर आपको अपने को काम करना है इस दिशा में, तो मैं इसका विज्ञान स्पष्ट करता हूं।
हमारा पूरा भाव शरीर है, जिसे हम कहते हैं मूड, टाइप ऑफ मूड, जो भाव शरीर है उसका संबंध है चंद्रकला से, चंद्र से। अगर चंद्र विलीन हो जाए, हो जाएगा एक दिन, जैसे जैसे पृथ्वी आगे जाएगी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती। मैं बताऊंगा कि क्या निशानी है प्रलय की। ऐसा नहीं कि एक दिन में प्रलय आता है, धीरे धीरे समेटती है पृथ्वी अपने को, समेटती है मनुष्य जीवन धीरे धीरे, पूरा जीवन, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति। जो अंतिम प्रागट्य है वो पहले नष्ट हो जाता है, जो अंतिम प्रागट्य है। जब बनती है पृथ्वी तो सूक्ष्म जीव से चालू होती है यात्रा, और उसके बाद मनुष्य प्रकट होता है, यात्रा करते 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 मनुष्य का स्वरूप आता है। जब विलीन होती है पृथ्वी, विलीन होती है, तब उससे उल्टा होता है, मनुष्य से गिरना शुरू होता है, वो विलीन होना शुरू होता है, वो जीव धीरे 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 वापिस लौट जाती है, हमारा जीवन वापिस लौट जाता है। फिर प्रागट्य संभव नहीं है उस पृथ्वी पर मनुष्य का, और फिर साधना भी संभव नहीं, एक समय के बाद साधना संभव नहीं, ऊर्ध्वगामी गति संभव नहीं। जिस तरह से एक समय होता है जब पृथ्वी बनती है, तब तुरंत मनुष्य नहीं आ सकता उस पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी बन गई मनुष्य नहीं आ सकता, सूक्ष्म जीव आ सकते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी बनती है मनुष्य का जीवन चलाने के लिए दोनों शक्ति चाहिए, सूर्य शक्ति भी चाहिए और चंद्र शक्ति भी चाहिए। ये हर एक समय में होता है, जब भी पृथ्वी प्रकट होती है तब सूर्य भी होना जरूरी है, ये जरूरी है। दो शक्ति है हमको चलाने के लिए, दो शक्ति है, एक सूर्य की शक्ति है, एक चंद्र की शक्ति है। समझो कि ये पृथ्वी पूरी हो गई, अब दूसरी पृथ्वी बन रही है, तो सीधा मनुष्य संभव नहीं, मनुष्य का शरीर संभव नहीं, प्राणी का शरीर भी संभव नहीं। प्राणी में भी भाव होते हैं, प्राथमिक कक्षा के जगते हैं, अभिभाव जगते, शुद्ध भाव होते प्राणी में, मनुष्य में वो धीरे धीरे जैसे यात्रा करता जाता है, जैसे यात्रा करता है। तुम्हारी काम की शक्ति, काम वासना की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की दिशा में बहने लगती है। इसके साथ साथ तुम्हारा हृदय चक्र पुलकित होता है, हृदय चक्र पुलकित। देखो, अगर कला देखो आप, आर्ट देखो, तो मनुष्य में है, कोई प्राणी में कला नहीं होती। कोई प्राणी है वो चित्र नहीं बनाता, न शिल्प बनाता है, और नृत्य भी वो इस तरह से प्रकट नहीं करता जिस तरह से मनुष्य में से प्रकट होता है नृत्य। तो जब पृथ्वी बनती है, हर एक बार जब पृथ्वी बनती है उसमें सूर्य की हाजिरी जरूरी है, सूर्य केंद्र है हमारे जीवन का। इसी तरह से हमारे जीवन का दूसरा छोर है, एक सूर्य शरीर है हमारे भीतर भी, जिसे हम कहते हैं पुरुष शरीर। हमारा शरीर का प्रागट्य खाली पुरुष से संभव नहीं, दोनों की मदद की जरूरत है, स्त्रैण शक्ति भी जरूर है, पुरुष की शक्ति भी जरूर है। तो जब पृथ्वी बनती है तब सूर्य की हाजिरी भी जरूरी है, और जब पृथ्वी बन जाती है उसके बाद चंद्र भी जरूरी है, कि अगर सूर्य की शक्ति चंद्र से रिफ्लेक्ट होकर हमें न मिले तो भी हमारा जीवन संभव नहीं। जिस दिन चंद्र समाप्त हो जाएगा, समझ लो कि पृथ्वी जैसे जैसे आगे जाती जाएगी, उसकी उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती, चंद्र पहले विलीन हो जाएगा, ये इसकी निशानी है। और जिस दिन चंद्र विलीन हो जाता है उसके बाद भाव शरीर पुलकित होना संभव नहीं, उसके बाद कला संभव नहीं मनुष्य में, मनुष्य रहता है, नीची कोटि का मनुष्य रहता है। जो कला में रस है, साहित्य में रस है, धर्म में रस है, ये सारी ऊर्ध्वगामी दिशा की निशानी है मनुष्य में, कि जब तुम्हारा रस कला में आता है उसका अर्थ है कि तुमने हृदय चक्र पार किया, तुम्हारा हृदय चक्र पुलकित होना शुरू हुआ। उससे पहले तुम्हें चित्र में रस नहीं पड़ सकता, न चित्र बनाने में रस पड़ता है, न चित्र देखने में रस पड़ता है, न शिल्प में रस पड़ता है, न बनाने में, न देखने में, न संगीत में रस पड़ता है, न नृत्य में रस पड़ता है। जब कलाओं में रस पड़ता है, जब साहित्य में तुम्हें रस पड़ता है, चलो कोई एक कविता है और तुम्हें अच्छी लगती है सुननी, तुम्हें बोलना अच्छा लगता है कि तुम कुछ गाओ, तुम कुछ बजाओ, ये सारी निशानियां हैं, ये सब समाप्त हो जाता है। इसका संबंध चंद्र के साथ है। पूरा का पूरा भाव शरीर है हमारा, पूरा का पूरा भाव शरीर उसका संबंध चंद्र के साथ है, चंद्र की कलाओं के साथ है उसका संबंध। जैसे चंद्र समाप्त हो जाता है भाव शरीर संपूर्ण समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर मनुष्य रहता है तो उसका हृदय चक्र पुलकित नहीं हो सकता। अगर उस मनुष्य को आप देखो तो उसके चेहरे पर आप कोई भी भाव नहीं पाओगे,
उसका चेहरा अगर आप देखो मशीन जैसा लगेगा, उसके बाद अगर मनुष्य देखा जाए तो मनुष्य का स्वरूप ऐसा होगा। अगर आपने जब मनुष्य प्रकट हुआ उस समय के चित्र देखे हो, रेखाकृति देखी हो, तो उस पर आप देखना कि मनुष्य के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं आ सकता। हमारे भीतर भाव की शक्ति, और तुम्हारे भीतर जैसे भाव प्रकट होने लगते, तुम्हारा हृदय चक्र जैसे शुद्ध होता जाता है, उसका असर तुम्हारे पूरे शरीर पर आता है। पूरे शरीर पर, पूरी जो देहाकृति है, पूरे शरीर की जो प्रागट्य है, पूरा शरीर का प्रागट्य, वो भाव की शक्ति है, भाव का प्रकाश है भीतर से। जितना शुद्ध भाव, तुम्हारा शरीर का प्रागट्य भी उतना शुद्ध हो जाता है। तुम्हारी देहाकृति शुद्ध लगती है, उससे जो आता है प्रकाश वो शुद्ध हो जाता है। एक प्रक्रिया ऐसी थी पुरानी कि जिसमें अगर तुम उब पाओ, जहां तुम रहते हो वहां अगर तुम्हें जीवन जीना अच्छा नहीं लगता है, सबको होता है ये, सबको, वही का वही काम करते 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 तुम थक गए, उब गए, तो वही की वही बीमार तरंगे पैदा होती है। बीमार तरंग, एक स्थान पर तुम रहते हो वहां तुम बीमार होते हो, वहां तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मानसिक तरंगे तुम्हारे भीतर से अच्छी नहीं निकल रही है, भावात्मक तरंगे तुम्हारे भीतर से अच्छी नहीं रहती। वहां तुमने ईर्ष्या की, वहां तुमने क्रोध किया, वहां तुमने कंटाड़ा पाया, तो ऐसी तरंगे तुम्हारे में से निकली, तुम्हारे आसपास ऐसी तरंगे। सारे जहां रहते हैं वहां के पदार्थ भी वो तरंग पकड़ सकती है। अगर आप अलग अलग मनुष्यों के साथ जाकर ठहरो तो आपको ये बात पता चल सकती है कि अलग अलग मनुष्य जो रहता है, जिस ढंग से रहता है, उसका घर का वातावरण, उसके घर की चीज वस्तुएं, उसमें जाकर तुम रहो, तुम्हें पता चलता है कि किस तरह का इस मनुष्य का जीवन होगा। वस्तुएं बता देती है, चीज वस्तुएं, क्योंकि वही वही तरंगे प्राप्त करती है, उसका असर आता है उसके ऊपर। तो पुरानी प्रक्रिया थी कि जहां तुम्हें उब लगती है तो एक स्थान बनाया गया, पवित्र स्थान बनाया गया कि इस स्थान के दर्शन के लिए तुम पैदल जाना जरूरी है। इसके साथ विज्ञान ऐसा है, जब हम सुबह में जागते हैं और जो हमें, अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह में तुम जाग रहे हो, तुम फ्रेश नहीं उठ रहे हो, तो विज्ञान ऐसा समझना है कि अभी भीतर एक तो भोजन पच रहा है, अभी भोजन भीतर का जो मल है वो साफ नहीं हुआ, अभी बन रहा है मल, और अभी शरीर से बाहर नहीं निकला है वो, तो इसके कारण ये रसायन है, ये भीतर का रसायन है। अगर ये रसायन भीतर है जो बाहर जाना चाहिए, उत्सर्ग पदार्थ है जो बाहर जाना चाहिए, वो अभी पड़ा है अंदर, वो हमारे रुधिर में भी है, वो हमारे इंटेस्टाइन में है, पेट में है, उसमें से गैस भी बनता है, वायु बनता है, हमारे भीतर का वायु भी उस समय के जो वायु होता है वो भी दुर्गंध युक्त होता है भीतर। सुबह में जब हम जागते पूरा जो पदार्थ है जो बाहर निकल जाना चाहिए, उत्सर्ग पदार्थ जिसे हम कहते हैं मल मूत्र पसीना, बाहर निकल जाना चाहिए रोज का रोज, रोज का रोज 24 घंटे में अगर तुम भोजन ले रहे हो, दो बार भोजन ले रहे हो, तो उसके साथ तुम्हें देखना है पेट ठीक से साफ हो रहा है कि नहीं। तो एक तो रसायन है कि तुम्हें सुबह में अच्छा न लगना, ये एक भाग है, एक हिस्सा है इसका है, वो है हमारे भीतर बना हुआ रसायन। दूसरी जो बात है समझने जैसी, वो है पेट की स्थिति, आंत की स्थिति। हमारा जो आंत है वो बहुत लंबा चौड़ा आंत है, 32 फुट लंबा है आंत, उसकी अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है हमारे भीतर पेट में, वो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसकी अरेंजमेंट है, उसका रिदम है, अपना रिदम है। अगर जब हम सोते हैं, तुम अलग अलग मनुष्य, जैसे जैसे तुम जागते जाओ, अपने अपना अभ्यास करते जाओ और तुम्हारी आंख खुलती है, तो और मनुष्य सोए हुए उसकी स्थिति भी तुम देखो कि मनुष्य किस तरह से सोया हुआ होता है। जिस तरह से तुम्हारी भीतर की स्थिति होती है वैसी ही तुम्हारी बाहर की स्थिति होती है। अगर भीतर तुम्हारे गड़बड़ चल रही है, भीतर गड़बड़ गड़बड़ स्वप्न आ रहे हैं तुम्हारे भीतर, तो तुम्हारा शरीर भी डोलता होगा पूरी रात, इस तरफ करवट बदली, उस तरफ सीधा सोए, पैर ऊंचे किए नीचे, भरतनाट्यम, तुम्हें पता भी नहीं चलता, इस तरह से भरत मुनि भरतनाट्यम करवा जाता है तुमसे, ये होता रहता है। अगर तुम्हारे भीतर शांति छा गई, स्वप्न रहित अवस्था प्राप्त कर ली, उसकी जो दयाकृति है, स्थिति है,
स्थित प्रज्ञ पुरुष सोता है और कोई आम आदमी सोता है जिसने कुछ जाना नहीं, बेहोश, पूरा बेहोश, कहां जा रहा है जीवन, क्या जीवन, कुछ पता नहीं, ऐसा आदमी सोता है और एक जागा हुआ आदमी सोता है और साधक सोता है। सबकी स्थिति अगर आप जागो तो देखो, यहां तो सब खुला है सबके साथ, साधना क्षेत्र में तो तुम रहते हो साधकों के साथ, तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह की स्थिति है उसकी। जब हम सुबह को जागते हैं तो जो हमारी इंटेस्टाइन की जो पोजीशन है, जो आंत की पोजीशन है, स्थिति है, वो भी बदल जाती है सुबह में हम जागते हैं। उसे ठीक होना चाहिए, उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। जो हमारा मूड है सुबह में, ताजगी का अनुभव है, फ्रेशनेस का अनुभव है, उसका संबंध पेट की स्थिति के साथ है। जिस तरह से रसायन के साथ भी है कि किस तरह का रसायन हमारे भीतर बना, किस प्रकार का वायु, किस प्रकार का पित्त प्रवाही, किस प्रकार का कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ हमारे भीतर बना और वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, भीतर एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसका शोषण नहीं हो रहा है, वो पड़ा है, अंदर पड़ा है, तो वो दुर्गंध पैदा करता है, वो भौतिक स्थिति। इसी तरह से आंत की पोजीशन क्या है तुम्हारी, तुम जब अच्छा मूड का अनुभव करो, अच्छी भाव दशा का अनुभव करो, उसका अर्थ है कि तुम्हारी आंत की पोजीशन ठीक है, उसके रिदम ठीक है। क्योंकि आंत की पोजीशन अगर ठीक नहीं तुम्हारी, तो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आंत की जो पोजीशन है वो प्रॉपर पोजीशन आए तभी उसका जो दबकना है आंत का, जिसे कहते हैं पैरासिस्टाल मूवमेंट, आंकुचन संकुचन की जो प्रक्रिया है, जिसमें आंत रिलैक्स भी होता है, शिथिल भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इसके कारण तो भोजन पचता है और आगे निकलता है, वो तब संभव होता है जब प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, उसका रिदम प्रॉपर होना चाहिए। वो अगर प्रॉपर नहीं होता, उसकी स्थिति बदल गई, आंत है, पेट ऐसा है और मनुष्य श्रम खोता जा रहा है, चुक रहा है, श्रम से बच रहा है, एक्सरसाइज से बच रहा है, हम भूल कर रहे हैं, ये जानना है, समझना है। पेट है, उसमें डायरेक्ट कोई मसल्स नहीं, ना हड्डी है उसको संभालने वाली, आगे पेट देखो आप। तो अगर आप योग्य व्यायाम नहीं समझोगे, आपका पेट अस्त व्यस्त बड़ा होता जाएगा, अस्त व्यस्त गति से अगर बड़ा होता जाएगा, और पेट अगर तुम संभालोगे नहीं, तो भीतर की आंत है वो बाहर निकलने का प्रयत्न करती है बाहर। पेट किस लिए बड़ा हो जाता है तुम्हारा, तुम खाते रहते हो, खाते रहते हो, खाते और एक्सरसाइज करते नहीं, तो वो जो पेट होता है धीरे 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 आंत बाहर की ओर निकलता है। जब तुम पेट के मसल्स नहीं बनाते हो, अगर तुम मां बाप को ही पता नहीं कि एक्सरसाइज किस लिए जरूरी है, तो अगर छोटा बच्चा है उसे उस पर वो ध्यान नहीं दिया जाएगा कि जब उसकी उम्र है, जब उसकी उम्र है खेलने की, कूदने की, जंप मारने की, दौड़ने की, जो उम्र है उसमें वो कुछ नहीं करता, वो बैठा बैठा टीवी देखता है, वो बैठा बैठा वीडियो गेम खेलता है, बैठा बैठा रहता है, फुटबॉल की मैच देखता है, क्रिकेट मैच देखता है, क्रिकेट खेलनी है तो हमें खेलनी है, कपिल देव छक्का मारे उसमें ताड़ी क्या लगानी, हमें अपने को बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, दौड़ना है, कूदना है, ये जो उम्र है हम चूक जाते हैं जब हम छोटे हैं। न मां बाप को पता है एक्सरसाइज क्या है, किस लिए जरूरी है एक्सरसाइज। सुबह में जो एक्सरसाइज जरूरी है वो इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी आंत की पोजीशन अस्त व्यस्त हो जाती है सुबह में। तुम कुछ भी एक्सरसाइज न जानो, समझ लो तुम कुछ भी एक्सरसाइज न जानो, फिर भी मॉर्निंग वॉक एसेंशियल एक्सरसाइज, कम से कम चलो, चलो चल तो तुम सकते हो, जिसके पास जितनी भी क्षमता है सुबह में चलने की। और उसका भी मैं आदर्श समय बताता हूं, जब सूर्य प्रकट होता है। जब मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम बाकी के समय में मत चलो, तुम हर स्वाद लो, हर स्वाद कि तुम जग गए और रात का वातावरण है उसमें भी चलो, मैं ऐसा नहीं कहता, ये सबकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं आदर्श समय बता रहा हूं कि जिसमें पूरा शरीर जो है तुम्हारा ताजा हो जा सकता है। तुम ऐसा समझो, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है सुबह में, मूड ठीक नहीं है, तो उसमें तुम्हें कम से कम चलना है,
कम से कम चल रहा है, तुम्हारी जितनी शरीर की क्षमता है, समझ लो कि तुम 1 किलोमीटर में थक जाते हो, पहले तो तुम्हें क्षमता खोजनी है कि कितनी क्षमता है तुम्हारी। अति पर नहीं जाना है, जिस तरह से अति कम को भी महत्व नहीं देना है, इसी तरह से अति ज्यादा पर भी नहीं जाना है। तुम करके सब देखो, लेकिन जितना जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन है, मैं इस तरह से तुम्हें दृष्टिकोण दूंगा जीवन का कि पहले तो पूरा दिन अगर तुम साधना समझ रहे हो, पूरा दिन, पूरे दिन की ताजगी, पूरे दिन में तुम्हें जो काम करना है उसकी सुव्यवस्थितता, किस तरह से तुम काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हारा मूड कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा मूड, प्रसन्नता के साथ तुम काम कर रहे हो, हर एक क्षण पर ध्यान देना है। 8 प्रहर, 8 प्रहर पर हमारी शक्ति बदलती है। 4 प्रहर तुम सुबह के समझो, दिन के समझो, 4 प्रहर, 3-3 घंटे के 4 प्रहर समझ लो, और 3-3 घंटे के रात के 4 प्रहर समझ लो। ये 8 प्रहर पर शक्ति बदलती है, शक्ति अपना रूप बदलती है, विचार की प्रक्रिया भी बदल जाती है, भाव दशा भी बदल जाती है, शारीरिक संवेदना भी बदल जाती है 3-3 घंटे पर, 8 प्रहर जो है उसमें। जिसे पूरा समझना है, जीवन का संगीत पूरा समझना है, तो पूरा दिन एक मिला, वो जीवन हमने कैसा जिया, इस पर ध्यान देना है कि पूरा दिन अगर हमें ठीक से जी सकते हैं, चलो हम भविष्य की चिंता कर रहे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जब आज हमें मिला है तो पहले हम ये तो देखें कि आज हमारी कितनी ताकत है, आज को सुधारने की, आज को संवारने की, आज का दिन, आज का जीवन, उसमें जीवन का स्वाद लेने की कितनी क्षमता है, पहले तो उस पर आना पड़ेगा कि आज का दिन। ऐसा तो है नहीं कि चलो अगर मैं 100 साल जी रहा हूं तो 100 साल एक क्षण में मुझे मिल रहे, नहीं मिल रहे, एक एक सांस के साथ मुझे परमात्मा भेंट दे रहा है, एक एक सांस, एक एक उच्छ्वास, एक एक कदम पर जीवन प्रकट हो रहा है, एक एक कदम पर, प्रति क्षण जीवन से हमारा संपर्क बनता है, हमारी धारा बहती है, जीवन की धारा प्रतिपल बहती है, उसके बीच मन आ जाता है, मन भीतर जो हमें हैरान करता है, सारी प्रक्रियाएं इसलिए, प्रक्रिया का इतना ही अर्थ है, जहां भी जो हम देखो, चाहे वो उपवास की प्रक्रिया हो, चाहे फल पर रहने की प्रक्रिया हो, चाहे एकटाणा करने की प्रक्रिया हो, चाहे नर्तन करने की प्रक्रिया हो, चाहे चलने की, दौड़ने की, कोई भी प्रक्रिया हो, किस लिए है प्रक्रिया, विज्ञान क्या उसका, उसका विज्ञान है शरीर की शुद्ध करना, हल्का फुल्का शरीर, हल्का फुल्का होना चाहिए, जब शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, मन अपने आप हल्का फुल्का हो जाता है, अपने आप भाव दशा तुम्हारी अपने आप हल्की फुल्की हो जाती। तो यहां पर समझना है वो ये बात समझनी कि तुम्हारी आंत की पोजिशन ठीक नहीं है तो तुम्हारा मूड ठीक नहीं बनता। अगर अच्छा मूड होने के लिए तुम्हारा आंत जो है, आंत इंटेस्टाइन है, वो नीचे की ओर सरकना चाहिए, नीचे की ओर। अगर आंत बहुत ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, भौतिक स्थिति ऐसी हो जाती है शरीर की जिसमें आंत ऊपर आ जाता है या अस्त व्यस्त हो जाता है, आंत अस्त व्यस्त हो जाता है, तो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं रहता, क्योंकि भीतर इंटेस्टाइन अपनी रिदम खो रहा है। जैसे इंटेस्टाइन आंत है अपनी रिदम खो देता है दबकने की, उसका सीधा असर आता है हृदय पर, उसका सीधा असर आता है सांस उच्छ्वास पर, तुम्हारी सांस उच्छ्वास भी इम्बैलेंस हो जाती है। तो जो चलने की प्रक्रिया है कि तुम चलो चलो, चलते जाओ क्षमता के अनुसार, चलते जाओ चलते, इसके साथ 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 तुम्हारे इंटेस्टाइन नीचे उतरती जाती है। तुम चल के देखना, तुम जब चलते हो तब पता चलता है कि कितना अंदर का गैस बाहर भी आता है। तुम्हें जो ताजगी लगती है चलने के बाद, ताजगी लगती है, उसका कारण है कि जो विषाक्त द्रव्य होता है वो बाहर आता है। तो सुबह में अगर तुम पाओ कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो कम से कम जब सूर्य प्रकट होता है, जो यहां ठहरते उसे मैं ऐसा कहूंगा कि तुम्हें अगर लगे कि सुबह में मूड ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसपे तुम्हारा स्किन डिजीज आ जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारे भीतर चिंता है, भय है, उसका असर आता है चमड़ी पर। तो अगर समझ लो तुम्हें कोई भी स्किन डिजीज पैदा हुआ, तो उसमें जरूरी है जब सूर्य प्रकट होता है तुम देख सको आंख से,
ऐसा प्रकाश छा जाता है, उसके बाद आदर स्थिति है चलने की, वो चलना तुम्हारे शरीर के लिए बहुत उत्तम है। और जब तुम ऐसे गिर जाओ कि ना ना आज तो मेरा मूड अच्छा ही नहीं है, तुम दिव्य वाणी में जोर जोर बैठना भी मत। मेरा कोई नियम नहीं है कि जब मैं बोलूं तुम आओ तुम बैठो। तुम ऐसा लगे कि ना आज मेरा मूड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है मूड, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, मूड ठीक नहीं है, स्किन पर, स्किन डिजीज है, स्किन पर कोई तकलीफ आ गई तुम्हारे भी स्किन पर, ऐसा समझो कि स्किन पर कोई भी तकलीफ आती है उसका अर्थ है तुम्हारे भीतर दबी हुई चिंता है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भीतर दबा हुआ भय है, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी नहीं जान रहे हो तुम्हारे सुसुप्त मन को। क्योंकि हम जो जीवन जिए हैं इस तरह से जीवन जिए, जहां भी चिंता आई हम भागे, जहां से भी ऊब लगी हम भागे, कंटाड़ा आया हम भागे, हमने पार नहीं किया। जो चिंता है, जो भय है, हम बिना पार किए किए हम टालते टालते जीवन जीते जा रहे, टालते टालते जीवन, तो भीतर वो दबी हुई चिंता है। और चिंता तुरंत प्रकट हो जाती है स्किन के ऊपर, जब तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होता है, जब तुम्हारा मूड, तुम्हारी पूरी स्किन डल हो जाती है, उसकी छाया आ जाती है, मूड की छाया आती है स्किन पर। और अगर तुम्हारा मूड भीतर से निखर जाता है तो स्किन भी निखर जाती है, बाहर से स्किन निखरती। मैं गोली चमड़ी काली चमड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, समझना, गोरी चमड़ी काली चमड़ी रंग है, मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं। जो चमड़ी है, स्किन है, उसका अपना एक प्रकाश है। तुम बहुत प्रफुल्लित व्यक्ति देखो तो उसकी चमड़ी देखना, तुम जो प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है, उसका असर आता है, क्योंकि प्रसन्नता आत्मा का लक्षण है। प्रसन्नता, प्रसन्नता का संबंध आत्मा से है। तुम्हारे भीतर जब आत्मा जगती है, स्पेस बनी तुम्हारे भीतर, तब वो किरण प्रकट होती है, उससे पहले नहीं। तुम हजार बाहर से मेकअप करो, हजार बार तुम स्किन को बाहर से चमकाने का प्रयत्न करो, लेकिन जिसके पास आंख है वो पकड़ लेता है कि अभी वो प्रकाश नहीं भीतर से निकल रहा है जो निकलना चाहिए, आत्मा का अपना एक प्रकाश। और वो जब निकलता है तब मेकअप की कोई जरूरत नहीं रहती, इतना सौंदर्य है आत्मा का अपना कि बाहर से मेकअप करने की कोई जरूरत रहती ही नहीं, अपने आप चमकती है चमड़ी, अपने आप चमकती। स्वास्थ्य का प्रकाश है, स्वास्थ्य का अर्थ ही है कि स्व में स्थिर होना, आत्मिक शक्ति का जगना। तो उसका जो बहुत सिंपलेस्ट तरीका, सरलतम उपाय है चलना, कम से कम चलो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम चलना शुरू करो, बाकी का जो भी जरूरी है तुम्हारे लिए अपने आप आता जाएगा, अपने आप। परमात्मा के साथ जब तुम संबंध बनाना चाहते हो, ये अनंत शक्ति है, बाहर भी और भीतर भी, जब तुम अनंत के साथ, उसका तो संबंध है ही, हमारा भी भीतर से संबंध है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम चूक जाते हैं, उसे तो समझना है। जब तक वो नहीं समझते जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो एक प्रक्रिया है कि तुम चलना शुरू करो, खाली चलना। जैसे जैसे तुम चलते जाते हो तुम्हारा शरीर शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। ये समझ होनी चाहिए। जो ऐसे ऐसे संग चलते हैं, मैं उन लोगों के साथ चला, मैं देखता हूं कि वो लोग चलते फिर रास्ते में कुछ भी गड़बड़ खा लेते, हमारी हैबिट। मैं उन लोगों को कहता हूं कि तुम इतनी मेहनत करते हो, 100-100 किलोमीटर चल रहे हो, तुम 100-150 किलोमीटर चल रहे हो, तुम्हारी मेहनत पर ही तुम पानी डाल रहे हो, तुम बिगाड़ रहे हो तुम्हारी मेहनत, क्योंकि तुम एक तरफ तुम चल रहे हो और एक तरफ तुम अस्त व्यस्त खा रहे हो। रास्ते में जो कुछ भी मिला तुमने खाया, ठंडा मिला, कोको कोला मिला, कोको कोला पिया, कहीं कुछ गर्म बेल बन रही तुमने बेल, पानी पूरी पानी, अस्त व्यस्त डाला भीतर। तुम क्या प्रक्रिया करने जा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। चलने की प्रक्रिया है क्या आखिर, क्या किस लिए है? चलो दर्शन करने की प्रक्रिया किस लिए? पुराना समय था, जो ये पुरानी विधि है मंदिर के साथ जुड़ी हुई, उसमें विधि ऐसी थी, तुम समझना इस विधि को। चल के मंदिर जाना है तुम्हें, व्हीकल पर नहीं, लेकिन इसमें जड़ता नहीं पकड़नी कि अगर तुम्हारी टांग में दर्द है, हो गए, क्योंकि टांग का उपयोग हम अस्त व्यस्त कर रहे, टांग का उपयोग ही नहीं करते हम, उससे हम अमीरी कहते, कि पानी भी कोई हमें पिला है वो हमारी अमीरी, ये अमीरी नहीं, ये ना समझी कि शरीर, तुम जीवन का स्वाद लोगे कैसे? चलो मैं कहता हूं तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति बैठ जाएगी,
सुसुप्त हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति सुसुप्त हो जाएगी, सो जाएगी तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति। अगर तुमने शरीर को नहीं जगाया, तुम जीवन का स्वाद नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते। तुम करके देखो कि जीवन का स्वाद लेना है, जीवन को समझना है, भीतर की जो पुरानी शराब है उसको पीना है अगर तुम्हें, तो शरीर को जगाना होगा। जगाना, बाहर से कोई शराब डालने की जरूरत नहीं, इतनी सुंदर शराब भीतर पड़ी हुई है, जन्मों से पड़ी हुई है, हमने उसका ढांकड़ा भी नहीं खोला। उसका स्वाद अगर तुम्हें लेना है तो शरीर को जगाना है, पूरा शरीर को। तुमने सुसुप्त रखा शरीर को, तुम चुक जाओगे जीवन। तो जो लोग इतनी मेहनत कर रहे, इतनी, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे इस तरह की यात्रा कर रहे कि चलो एक जगह पहले वो नमस्कार करते। तुम समझना, वृंदावन से द्वारका तक की यात्रा मैं ऐसे लोगों से मिला, वृंदावन से द्वारका, कि पहले नमस्कार करते, फिर दंडवत करते, फिर खड़े हो जाते, फिर नमस्कार करते, फिर दंडवत करते, फिर खड़े हो जाते। इतनी मेहनत, ये अति पर चली गई। मैं जब उसके साथ रहा, तुम जान सकते हो धर्म का अर्थ है समझ का विकास। धर्म का क्या अर्थ करोगे? चलो तुम धर्म से क्या प्राप्त, तुम क्या प्राप्त करने जा रहे हो? तुम ज्ञान, जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं ज्ञान, ज्ञान का सब, ज्ञान का अर्थ ही है अवकाश। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान शब्द नहीं, समझना, ज्ञान शब्द नहीं, ज्ञान का संबंध अवकाश के साथ है। जितनी भीतर स्पेस बनती जाएगी, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दर्शन की क्षमता जितनी बढ़ती जाएगी, तुम बाहर दर्शन करो चाहे अंदर दर्शन करो, तुम दर्शन से समझ सकते हो, तुम शब्द से समझने की जरूरत नहीं है। यह हमारा पुराना जीवन का ढंग है, इसलिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। एक स्थिति आ जाती है जब तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ जाती है। मैं कई साधकों को समय नहीं दूंगा कि अब आगे काम करो, कब तक मुझे प्रश्न पूछते रहोगे, पूछते रहोगे, वही के वही प्रश्न, वही की वही चर्चा, वही की वही दलील, वही के वही शब्द। गलत, अब तुम वही वर्तुल में गोल गोल मत घूमो, तुम आगे का अनुभव लो, आगे निकलो, आगे निकलो। तो जब तुम ऐसे लोगों के साथ ठहरोगे, पता चल जाएगा कि इसमें तुम खो दोगे, शक्ति खो दोगे, तुम जड़ता की ओर चले जाओगे, जड़ता की ओर, कि ये जो पूरी इतनी लंबी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे, तुम समझो जरा कि हम 5 स्टेप करें तो भी थक जाएंगे, पहले हम खड़े रहे, फिर सोए, फिर खड़े, इतने किलोमीटर की यात्रा, मैं उसका सब देखूं कि क्या खा रहे हैं वो, पूरा दिन है कैसे जी रहे, पूरा दिन क्या बात कर रहे हैं, क्या बात, किस लिए किया उस तो जब मैं खोज लगाऊं कि किस लिए तुमने इतना चला, तो बहुत लौकिक प्राप्ति के लिए, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र की शादी नहीं हो रही है, पुत्र को कैंसर हो गया, ये भी कोई गलत नहीं है, चलो ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं समझ के साथ, धर्म समझ का विकास है। तुम कोई भी प्रक्रिया करो, तुम्हें पूरा पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। 100-100 किलोमीटर तक लोग चलते, इतनी ऊंचाई को छूने के लिए लोग जा रहे हैं, और तुम उसका खाना देखो, बिल्कुल बेढंगा खाना, तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत बिगड़नी नहीं चाहिए। तुम माताजी के दर्शन के लिए गए और तबीयत बिगड़ी कैसे तुम्हारी? तबीयत बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर तुम ठीक से, तुमने चलने की प्रक्रिया की या पहाड़ चढ़ने की प्रक्रिया की, तुम्हारी स्वस्थता बढ़ती जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तुम फिर से ऐसा वैसा जो बाजारू द्रव्य है ऐसा वैसा भोजन तुम्हारे भीतर डालते रहोगे, फिर बिगाड़ दोगे, तुम्हारा शरीर बिगाड़ दोगे। पुरानी प्रक्रिया ऐसी थी कि अगर तुम्हें घर से मंदिर तक जाना है दर्शन करने के लिए, पहले तो समझो मंदिर की पूरी समझ दी शंकर ने कि ऐसा एक स्थान, यहां से शुरू हुआ मंदिर की कल्पना, यहां से शुरू हुई। मंदिर का विज्ञान क्या था यह समझना, शंकर के सारे मंदिर अगर तुम देखो बराबर, पुराने मंदिर तुम्हें प्रकृति में देखने को मिले, प्रकृति में तुम देखोगे पूरे शंकर के मंदिर सारे। जो पुराना प्रयोग है मंदिर का, वो शिव मंदिर से है, उसका प्रागट्य शिव मंदिर से, वहां से शुरू हुआ मंदिर का विज्ञान, और सारे के सारे पुराने मंदिर प्रकृति में थे।
कि कम से कम, और इस तरह का ढंग था जीवन का कि सुबह में तुम जब जागो पहला काम था देव दर्शन, तो मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाओ। समझना इस बात को, इसका विज्ञान ऐसा है कि तुम जब चलते हो तुम्हारे आंत की पोजीशन ठीक हो जाती है। तुम रात को जब सोए उससे पहले तुम्हारी आंत की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, इसलिए इवनिंग वॉक जरूरी, कम से कम इवनिंग वॉक जरूरी, मॉर्निंग वॉक जरूरी, इवनिंग वॉक जरूरी। और जब तुम्हारे पास समझ है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि बस तुम ठीक से जीवन जी सकते हो, अब जीवन जी सकते हो, शरीर के लिए चाहिए उतना भोजन तुम्हारे पास है, शरीर के लिए चाहिए उतना कपड़ा तुम्हारे पास है, जो संसार की जिम्मेवारी है वो भी अब जब तुम्हारी पूरी हो जाती है, फिर तुम्हें ठीक से खोज लगानी है, जीवन की खोज, किस तरह से, किस ढंग से हम जीवन को अच्छी तरह से जिए, या अच्छी तरह से जीवन जिया जा सकता है। देखो पुरानी विधि, जब तुम सुबह में जागो पहली जो प्रक्रिया है वो है देव दर्शन। तुम चले जाओ मंदिर को दर्शन के लिए, वहां आरती करो, वहां श्लोक करो, मंत्र करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर शांत बैठो, मौन बैठो, फिर लौटो संसार में। सोया हुआ संसार जागता है, जिसके साथ तुम्हें फिर से संबंध बनाना है, उससे काम करना है, उसके साथ काम करना है, संसारिक काम करना है, पूरे संसार को संभालना है। पूरा दिन तुमने संसार में रहे, तुम पुरानी विधि में बताता हूं, सूर्यास्त का समय, ये प्रक्रिया इस तरह से थी, सूर्यास्त का समय मंदिर का दर्शन है, जब दीप का प्रागट्य आता है, जहां दीप का प्रागट्य, ये समय है कि जब सूर्य प्रगट नहीं हुआ है उससे पहले मंदिर में दीप को प्रगट करना है, दिन का स्वागत करना है, दिन का स्वागत कि नया जो सूर्य आ रहा है, नया जीवन जो हमें मिल रहा है, जो आज तक भूल हम करते आए, कम से कम आज हम हमसे बचे, आज से वही की वही भूल न करें, कल तो झगड़ा हो ही गया था इस व्यक्ति के साथ, आज मैं अपने को संभालू कि उस झगड़े में मैं मत पड़ू, आज कुछ मैं और काम करूं, मैं ऊंचाई पकड़ू, जीवन की ऊंचाई पकड़ू। तो ये मंदिर का जो प्रथम दीप है वो सूर्य से आने से पहले, या घर में, घर में अगर आप दीप प्रकट करते हो तो उसका आदर्श समय है सूर्य प्रकट होने से पहले वो दीप होना चाहिए, वो दीप का प्रागट्य, वो स्वागत है, नए सूर्य का स्वागत है, नए किरणों का स्वागत है, ये सूक्ष्म विज्ञान है प्रार्थना का या दीप प्रागट्य का। और जब दीप प्रकट होता है तब अप्राकृतिक लाइट है, जो अप्राकृतिक लाइट, पहले तो जब दीप प्रकट करते हो, आप दीप को प्रकट भी करते हो, उस समय में भी अप्राकृतिक लाइट नहीं होनी चाहिए। जो अप्राकृतिक लाइट है हमारे शरीर को, आंख को, आंख के जो मसल्स है उसको रिलैक्स नहीं होने देती, शिथिल नहीं होने देती, दिए का जो प्रकाश है वो आंख को शिथिल कर देता है, हमारे जो, हमारा जो शरीर है उस पर भी उसकी किरणों का असर आता है, वो चिंता मिटाता है, जो कन्नड़गत करने वाली तरंग है भीतर से बाहर से उसको वो नष्ट करता है। ये दीप की शक्ति है, दिया की शक्ति है। और जहां प्राकृतिक वातावरण है, जहां प्राकृतिक वातावरण, समझ लो कि मैं तुम्हें प्रकृति मंदिर दे रहा हूं, प्रकृति मंदिर, उसमें दीप का प्रागट्य की कोई जरूरत नहीं, स्वयं सूर्य दीप है, और हर हर समय है प्रकृति में, हर समय है जिसका अपना नेचुरल प्रकाश है। यहां तुम्हें इस पर ध्यान देना है, जहां प्रकृति मंदिर है, जहां प्रकृति को लक्ष्य में लिया गया है, जिस आध्यात्मिक स्थान में प्रकृति महत्वपूर्ण है, वहां दीप प्रागट्य का महत्व नहीं आ सकता। दीप प्रागट्य उसके लिए जो अभी प्रकृति से संबंध नहीं बना सकता अपना, उसके पास अभी प्रकृति के साथ संबंध बनाने का समय नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आई कि वो अभी प्रकृति के साथ संबंध बना सके, उसके लिए दीप प्रागट्य जरूरी है घर में। तो ये जो दिए का प्रकाश है उसका दर्शन, उसका दर्शन जरूरी। खाली ऐसा नहीं कि तुम दिए का प्रकाश कर दिया तुमने छोड़ दिया, तो उसका कोई अर्थ नहीं। यह प्रक्रिया क्या थी मैं तुम्हें कहूं, यह प्रक्रिया थी दिए का त्राटक, इसके साथ ये चूक गया है, ये मनुष्य भूल गया। जो भी आज दिए की प्रक्रिया कर रहा है उसे ये समझना है कि जब तुम दीप प्रकट करो, दीप प्रकट करो, और तुम ज्योति का दर्शन ही न करो, दीप की जो ज्योति है उसका तुम दर्शन न करो, दीपक का जो प्रकाश है उस असर में तुम बैठो नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम जो दिए की शक्ति है वो प्राप्त नहीं कर सकते।
उसका उद्देश्य यही है कि वो शक्ति तुम्हें मदद करे, तुम्हारी शक्ति को अंतर्मुख करने के लिए मदद करे। तुम्हारी आंख की शक्ति है जिसमें विचार 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 पैदा हो रहे हैं, उसे रिलैक्स करे, शांत कर। ये ऐसी प्रक्रिया है। इसमें मुख्य प्रक्रिया है त्राटक, कि जब तुम दिया प्रकट करो तब दिए का दर्शन करो अपलक आंख से, आंख में पलक भी मत मारो। नेचुरल आती है तो आती, प्राकृतिक रूप में अगर पलक बंद होती है बंद होती है, लेकिन तुम्हारी ओर से पलक को पूरा खोल के दिए का दर्शन करो और दिए के प्रकाश में रहो। और उसका समय जब ठंडी ऋतु शुरू होती है, ये इसका समय है सच्चा। जब गर्मी के दिन है, जब हवा की जरूरत पड़ती है, उसमें भी बैठा जा सकता है। ये साधना के ऊपर है, तुम्हारा शरीर कितना तैयार है, किस तरह से तुमने तैयार किया है शरीर को, उसमें भी बैठा जा सकता है। लेकिन आदर्श समय है ठंडी के दिन, जिसमें ठंडक है वातावरण में। जब ठंडक है, गुलाबी ठंडी है, तब तुम्हें अंतर्मुख होना बहुत सरल होगा, अंदर जाना सरल होगा। जब बाहर का तरंग अच्छा होगा, बाहर का वातावरण अच्छा होगा, तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, तो तुम्हारे अंतर जगत का दर्शन जो है वो सरल रहेगा। तो दीप प्रागट्य इसलिए था कि दिया प्रकट करो, उसका प्रकाश तुम दर्शन करो, आंख से दर्शन करो। तुम्हारे पुराने विचार, जो विचार तुम्हें सता रहे हैं, वो विचार मिट जाएंगे। तुम दक्षिण में देखो, हमारी जो साइज होती है उससे भी बड़े बड़े दिए होते, उससे भी बड़े बड़े। और दक्षिण के कुछ पंथ है ब्राह्मणों के ऐसे, जिसमें दिए को गुरु माना जाता है, दिया को, कोई जीवंत व्यक्ति नहीं, दिए को गुरु मानते हैं और दिए को इस तरह से संभालते हैं जिस तरह से गुरु का शरीर हो। सच्ची बात ये, क्योंकि इसका तुम खाली दर्शन करो, दर्शन। और जो इतने बड़े बड़े दिए है उसका विज्ञान समझो तो इतना ही है कि इसमें एक प्रक्रिया ऐसी है कि तुम्हें खड़े रहकर अपलक देखना है दिए को। अगर मेरी हाइट 6 फीट है और 4.5 फीट पर मेरी आंख आ रही है, तो 5.5 फीट का दिया उस दिए में तुम, और पुराने मंदिर ऐसे थे कि अलग अलग साइज के दिए रखे हैं, कि अगर तुम्हें बैठकर दीप पर ध्यान लगाना है, खुली आंख से त्राटक करना है, तुम बैठ के भी कर सकते हो, इतनी साइज है। या ऊंचाई है तो इसलिए तुम्हारे अपनी ऊंचाई का दिया भी तुम खोज सकते हो। ये पुरानी, मैं रीत बताता हूं क्या इसका क्या विज्ञान है। तो ये सुबह में और शाम में करने की प्रक्रिया थी, और मंदिर था वो प्रकृति में था कि तुम सुबह में देव दर्शन के लिए घर से चलकर निकलो, कम से कम चलकर निकलो। इसके साथ तुम्हारे भीतर जो विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ जिसे हम कहते हैं उत्सर्ग पदार्थ, मल मूत्र पसीना, ये अंदर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे शरीर से रोज पसीना है वो बाहर निकलना चाहिए, ठीक से बाहर निकल जाना चाहिए। मल मूत्र है उसका पूरा प्रमाण बाहर निकलना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर वो अंदर जमा होता रहा, जमा होता रहा, जमा होता, क्योंकि इतना बड़ा लंबा इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइन इस तरह से है, जिस तरह से कपड़े का टुकड़ा, इसके तुम 4-5 लेयर कर दो और तुम एक बार पानी में भिगो दो उस कपड़ों को, और उसमें से फिर तुम पानी निकाल दो, फिर भी तुम देखोगे तो पानी रह जाता है कपड़ों में। इसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन में मल रह जाता है, उसको किस तरह से दूर किया जाए। एक्सरसाइज सिंपलेस्ट इज वॉकिंग, कि तुम सुबह में चलना शुरू करो। आदर्श समय है वो जैसे सूर्य प्रकट होता है, जब सूर्य प्रकट होता है या करीब है वो समय, करीब है वो सबसे आदर्श समय। जब भी तुम्हें समय मिले, मैं कहता हूं कि अगर तुम एंगेज हो, पूरा दिन तुम काम करते हो, काम से भागना भी नहीं, जो जिम्मेवारी है वो पूरी ही करनी है, पूरी, जो हमने खड़ा किया, जो कुछ भी हमने खड़ा किया उससे भागना नहीं है, नहीं तो तुम आगे और खड़ा करोगे बखेड़ा, फिर और फंसोगे। तो जब एक बार बखेड़ा खड़ा कर ही दिया तो पूरा जान लेना है कि हमारे अंदर क्या क्या था। चलो ये बखाड़ा जो हमने आसपास तैयार किया, तो हमारे भीतर क्या क्या था, क्या क्या करवाना चाहते हैं, क्या क्या मैं करना चाहता हूं, उसको पूरा समझना है, पूरा। और एक बखेड़े में ही तुम जान लो, फिर नया जन्म, फिर वही का वही बखेड़ा, कब तक तो जो चलना है, जो प्रक्रिया है चलना, वो सब से शरीर को शुद्ध कर देती है, सब तरह से। ये प्रक्रिया, इसका विज्ञान ऐसा है, विज्ञान कि तुम्हारी जो आंत की पोजीशन है वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है, नेचुरल। क्योंकि मनुष्य में हमारा शरीर पूरा स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट,
और प्राणी है वो इतने स्ट्रेट नहीं हो सकते जिससे हम चल सकते, जो हमारा शरीर है। इसलिए शरीर का विज्ञान ठीक से समझना जरूरी है कि तुम्हारे लिए कम से कम चलना और एक्सरसाइज जाने दो, अगर तुम्हें नहीं करनी है मत करो, लेकिन तुम्हें चलना तो चाहिए। और जहां पर ऐसे प्रॉब्लम है, समझ लो कि तुम्हें स्किन डिजीज आ रहा है, तुम्हारे शरीर की चमड़ी है वो बिगड़ रही है, चमड़ी पर तुम्हारा चेहरा है उस पर खील होना शुरू हुआ, समझो कि खील होना शुरू हुआ, या तुम्हारी चमड़ी पर ऐसे लाल लाल स्पॉट हो जाते हैं, किसी भी तरह तुम्हें चर्म रोग पकड़ रहा है, उसका इतना ही अर्थ है तुम्हारे भीतर दबी हुई चिंता है। चाहे तुम शरीर के रूप में डॉक्टर कुछ भी कहे कि आज तो डॉक्टर भी समझते हैं ये बात को कि इसको संबंध है चमड़ी है, उसको संबंध है मूड के साथ। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चिंता है, ऐसी चिंता की तरंग है, मूड का सबसे ज्यादा असर आता है। तुम समझना इस बात को, तुम्हारा जो स्वास्थ्य है, शारीरिक तल का जो स्वास्थ्य है, उस पर सबसे बड़ा असर आता है तो तुम्हारे मूड का असर आता है। जैसे तुम्हारा मूड प्रसन्न होता जाता है, तुम्हारा स्वास्थ्य अपने आप बैलेंस हो जाता है अपने आप। तो ये खास ध्यान देने जैसी चीज है कि अगर तुम्हें चमड़ी का रोग है, चमड़ी पर कुछ भी निकल रहा है, तो सुबह शाम कम से कम तुम्हारी क्षमता से थोड़ा ज्यादा वॉकिंग लेना शुरू करो। समझ लो तुम्हारी 1 किलोमीटर की क्षमता है, तुम 1.5 किलोमीटर चलो। मैं चलने का पूरा विज्ञान तुम्हें बताता हूं कि चलने की प्रक्रिया किस तरह से करनी है। जब अच्छा माहौल है, अच्छा तुम्हें अच्छा लगता है, तुम ऐसा समझो तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास समय भी है और अच्छा माहौल है एकदम, जिसे तुम पसंद करते हो, ऐसा समय आता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि हर एक परमात्मा बैठा है अंदर, परमात्मा बैठा है, परम स्वाद बैठा है स्वयं परमात्मा के लिए। कहा गया रसो वैश्य, जहां से रस प्रकट होते हैं, जीवन के अद्भुत रस जिसमें से प्रकट हो रहे। पानीपुरी में जो स्वाद आता है वो पानीपुरी में थोड़ा है, परमात्मा में है वो स्वाद। वो जहां से प्रकट हो रहा है उस परमात्मा को जानना है। तुम जैसे समझने लगोगे कि कहां मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसा देखूं प्राकृतिक स्थान में, लोग जहां प्राकृतिक स्थान प्रकृति में घूमने गए, वहां वही कि वही आइसक्रीम के लिए दौड़ते हैं, वही कि वही होटलों के लिए दौड़ते, वही वही होटलों में समय गंवा रहे हैं। जहां तुम प्रकृति का स्थान लेते हो, जहां दरिया है, जहां बहती हुई नदी है, जहां तुम चढ़ सको ऐसा पहाड़ है। और युवान जो जो मेरे साथ, मैं जहां जहां ऐसे स्थान पर था और जिसका मेरे साथ परिचय होता था, मैं उसे कहता हूं कि तुम सुबह का समय है, शाम का समय, तुम होटलों में क्या पढ़ते, होटलों में क्या समय बिता रहे, वही कि वही मार्केट में जाते हैं, चीज वस्तुएं खरीदते, कोथड़ा भरते रहते, प्रकृति स्थान भी तुम चूक जाते हो। प्रकृति का स्थान कि जहां वृक्ष है, हरियाली छाई हुई है, हम शहर में रहते, जब बच्चा पैदा होता है आज तो उसे तो पता भी नहीं होता होगा कि ऐसा कोई वन हो सकता है, इस तरह से बहती हुई नदी हो सकती है, ऐसे उछलता हुआ सागर हो सकता है। जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, तुम्हारी साधना अपने आप निखर जाएगी, अपने आप तुम प्रकृति में चले जाओ, प्रकृति के साथ संपर्क बनाना शुरू करो। ये तो उद्देश्य था, ये जो सारी प्रक्रिया है उसका उद्देश्य ये है कि प्रकृति के साथ संबंध बनाओ। देखो तुम गरबा जो है उसको तारने के लिए वो कहते हैं कि तुम नदी में चले जाओ, और नदी में भी इस तरह से गरबे को डालना नहीं है, तुम्हें नदी में उतरना है। ये प्राचीन साधना है एक कि जिसमें तुम जाप बहती हुई नदी में करना है, इस तरह की एक प्रक्रिया है पुरानी। जब मैं आत्मिक विज्ञान की और प्रक्रियाएं बताऊंगा, मैं सारी प्रक्रियाएं खोलूंगा पुरानी, कि ऐसी प्रक्रिया है कि तुम नदी में खाली पेट तक पानी है उसमें चले जाओ और अपने मंत्र करते रहो, जो मंत्र तुम्हें अच्छा लगे, गायत्री मंत्र, जो ओम त्र्यंबकम, जो मंत्र। लेकिन एक पुरानी विधि में तुम्हें बताता हूं कि जो बहती हुई नदी में की जाती है, जैसे गंगा है, बहती हुई गंगा है, तुम उसके अंदर चले जाओ, जहां पेट तक पानी है उसमें चले जाओ। उससे आगे की एक साधना है जिसमें गले तक पानी रखते, और ये करने जैसी प्रक्रिया है, जो पानी में अगर कहीं कुंड है कि जिसमें तुम नाभि तक पानी आता है उसमें तुम खड़े रह जाओ, तो जो टेम्परेचर का दोनों का फर्क पड़ जाता है, विज्ञान ऐसा है, टेम्परेचर बदल जाता है। समझ लो तुम नाभि तक खड़े हो, उसका जो टेम्परेचर है और उस ऊपर का जो टेम्परेचर वो बदल जाता है, नीचे ठंडक हो जाती है, ऊपर गर्मी हो जाती है। तो तुम्हारा जो जहां ठंडक हो जाती है एकदम, वो
शरीर से शक्ति ऊपर उठने लगती है, जहां गर्मी है, जहां उष्मा है, भीतर उष्मा, वो ऊपर की ओर जाने लगती है, क्योंकि नीचे ठंडक है। ये एक प्रक्रिया है, इसका विज्ञान ऐसा है कि नीचे ठंडक कर देते हैं, नीचे ठंडक, तो तुम्हारी जो शक्ति है वो नीचे नहीं जा सकती, उष्मा ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है, उसमें तुम्हें जाप करना है, या गले तक पानी है उसमें चले जाओ, उसमें खड़े रहो, और जिसे स्विमिंग जिसकी अच्छी है, पानी से डर नहीं लगता है, जिसके पानी में जो रह सकता है उसे ये प्रक्रिया में से एक बार निकलना, ये अनुभव करने जैसा है कि जो टेम्परेचर बदलता है, तुम आंख बंद के खड़े रह जाओ पानी में, पानी बह रहा है, बहता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है, प्रकृति का वातावरण, आकाश, बहती हुई नदी, अब तो नदियां भी ऐसी होगी प्रदूषित, गंगा को देखते हैं तो रोते हैं, क्या क्या गंगा, किसके लिए गंगा थी, और हमने क्या कर डाली गंगा को, क्या प्रयोग था गंगा का, क्या प्रयोजन है नदियों के साथ जो प्रयोग दिए गए हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं दिए गए, क्या विज्ञान है इसका, और हमने ना समझ के कारण कितना गंदा कर दिया, कितना गंदा वाता, इतना कादव कि हम जाए कैसे, इतनी मछलियां है उधर, इतनी गंदगी है उधर, कि अगर वो पवित्र स्थान है कि जहां से हम घाट में से नीचे उतर सकते, नदी से हम संपर्क कर सकते, जिस तरह से आकाश से संपर्क कर सकते, जो ये नवरात्रि की एक विधि है कि तुम गरबा को तारो, नदी में उतरो, तुम प्रक्रिया इस तरह से थी कि तुम नदी में उतरो, नदी में जाके गरबा को बहा के आओ, नदी के अंदर संपर्क करो, तुम इसका विज्ञान ये था कि तुम प्रकृति से संपर्क बनाना शुरू करो, चाहे वो चलने की प्रक्रिया हो, कि माता जी का एक मंदिर है प्रकृति में, वहां तुम्हें चलकर जाना है, तुम प्रकृति में से निकलते हो, 100 किलोमीटर एक दिन लग सकता है, एक रात, दो दिन दो रात, तीन दिन तीन रात, और जीवन तुम अब सुरक्षा छोड़ के जा रहे हो, असुरक्षा में जा रहे हो, कोई सुरक्षा नहीं कि 12 बजेगा तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं उस संघ की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी जिस तरह से चलने की प्रक्रिया करते हैं, उसमें तो हर जगह पर यह प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक ये जो रीत है कि जिसमें पूरा संघ जा रहा है, तुम्हें हर जगह तुम्हें खाना पीना मिल जाएगा, कब तक हम खाना पीना उसमें ही हम अपना अपने को संभालते रहेंगे। ये जो प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया है, इसको रिस्क के साथ लेना देना है जीवन में। जब तुम एक रिस्क पार कर लेते हो, तुम फिर से नया जीवन प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तुम्हें एक तरफ जीवन में उब लगती है कि अब ये जीवन चाहिए ही नहीं, मुझे मर जाना है, लेकिन तुम जरा देखना कि जब मृत्यु सामने आ जाती है, तुम फिर से जीवन को मांगते हो, फिर से जीवन को, नाना जीवन चाहिए, अभी मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना है, पति के साथ रहना है, बाल बच्चे को उछेरना है, तो इस ये जो प्रक्रिया है, पुरानी प्रक्रिया, इसको रिस्क के साथ संबंध था, रिस्क को। और माता जी के मंदिर, तुम जरा पुराने मंदिर देखो, पता चलेगा कि माता जी कहां ठहरी हुई थी, और वहां साधना चलती है, साधना क्षेत्र है, शेर पांजरे में नहीं पूरे गए हैं, वहां चित्ता वाघ खुले हैं, उसमें जाना है, उसमें घुसना है, उस जंगल में, मैं उस दिनों की बात कर रहा हूं जब खुले घूम रहे थे, जब इस तरह से पांजरे में बंद नहीं कर किए थे, गिरनार, जो पूरा गिरनार का प्रयोग है, उसको इस विज्ञान के साथ संबंध है, पूरा विज्ञान इसका, शेर खुला घूम रहा है, उसके बीच एक रूसी साधना कर रहा है, चलो उसे पता चलेगा कितना निर्भय हुए हम, कितनी अभय अवस्था प्राप्त की हमने, ये चलने के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है, ये चलने के साथ, हम अभी जो चल रहे हैं सब चल रहे, मैं ऐसा नहीं कहता ये गलत है, यहां से तुम उससे परिचित हो सकते हो, ये प्रक्रिया से परिचित हो सकते हो, लेकिन चलने की जो प्रक्रिया है यहां सीमित नहीं, और चलना भी अकेला है, बिना संघ के अकेले जीवन की पूरी यात्रा देखो तुम, और तुम कहीं भी जाते हो कोई ना कोई साथी तुम्हें मिल ही जाता है, देखो जीवन का ढंग कि ये संघ चल ही रहा है, क्योंकि सबके भीतर देखने वाली आंख वही है, परमात्मा का निवास स्थान सब में है, हम एक दूसरे से दीवार करके बैठे हैं, हम हिंदू तुम मुस्लिम, ये सिख ये ईसाई, ये हमारी दीवार है, परमात्मा तो एक ही है, देखने वाली आंख एक ही है। तो जो पूरी चलने की प्रक्रिया है
उसको रिस्क के साथ भी संबंध है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, तुम कितनी, तुमने कितनी अभय स्थिति प्राप्त की, कितनी भीतर चिंता है कि जब मुझे शरीर की भूख लगेगी तो मुझे मिल जाएगा भोजन, मुझे वस्त्र की जरूरत होगी तो वस्त्र मिल जाएगा। यह भी अवस्था है, ये साधक की अवस्था है। मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, जिसने अभी वो अवस्था प्राप्त नहीं की उसने तो अभी इसी में चलना है, चलने की प्रक्रिया को सुरक्षा से लेना है। लेकिन जिसके पास असुरक्षा में, रिस्क में कूदने का ढंग आ गया, उसे तो असुरक्षा में जाना ही। जीवन का पूरा स्वाद सुरक्षा में भी लेना है और असुरक्षा में भी लेना है। हर मनुष्य जीवन का परम स्वाद ले सके, जीवन को समझ सके, परम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, जो मुझसे बोला, जिसने आपसे सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं, मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। तेरा काम हो गया फिर भी कल आना।